और आज हमारा बच्चा 12-13 साल की उम्र में सलमान खान की कौन सी फिल्म रिलीज हो रही है, गाना कौन सा रिलीज हुआ है, फौरन अपलोड करो और सुनो। चार चार मर्तबा फिल्में देखने जाते हैं, इनसे कहो कि ईद के दिन तकबीर तशरीक पढ़ो बेटे, तकबीर तशरीक मौलाना। एंड आई लिसन फर्स्ट टाइम इन माई होल लाइफ, मैंने पहली बार जिंदगी में सुना है कि तकबीर तशरीक पढ़ते हुए जाओ। सलमान खान का गाना याद रहता है, किसी का भाई किसी की जान का, और तकबीर तशरीक याद नहीं रहते हमारे नौजवानों को। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अभी चूंकि मैंने ईद और रामनवमी को कंपेयर करके बताया था, तो चूंकि ईद की जो सुन्नतें हैं 13, वो सारी सुन्नतें हमने बयान की थी और हमने यूं कंपेयर किया था कि इस्लाम में त्योहार मनाने का तरीका आज भी वही तरीका है जो तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब से 1450 साल पहले बताया। त्यौहार उसको बोलते हैं, त्यौहार उसको नहीं बोलते कि त्यौहार के नाम पर किसी की दुकान लूट लो, 114 साल पुराना मदरसा जला दो, 4000 किताबें लाइब्रेरी में घुसकर मलिया मेट कर दो, खाक कर दो, जला दो, त्यौहार उसको नहीं बोलते। जिन लोगों के दिमाग में भूसा भरा हुआ है, पढ़ो प्रश्नोत्तरी का मंत्र कहा गया के हेतु ब्रह्मगतिस्तांति सत्संगतिर दान विचारतोषा, कि इस जमीन के ऊपर ईश्वर के करीब होना चाहते हो तो ईश्वर के पाक नामों का चर्चा करो, यूं कहा। बेरे कैफ मैं आऊंगा उधर आखिर में, लेकिन मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, मेरे मुस्लिम भाइयों, 3-4 जो ये बीमारी है, ये जो गुनाह है, जिना, सिर्फ जिना लड़का लड़की के मिलाप का फिजिकल रिलेशन का नाम नहीं है। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर कहा वला तकरबु जिना, जिना के करीब मत जाओ, कुर्बते जिना, जिना के करीब, मतलब सोशल मीडिया में अपने गर्लफ्रेंड अपनी बॉयफ्रेंड हमारी समाज की बेटियां मैसेजेस डिलीवर करते हैं, एक दूसरे को मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, उसी से कुर्बत बढ़ती। ये जिना के करीब होने के वसाइल हैं, ये जराए हैं। दूर रहें आप जिना से, बहुत बल्कि अल्लाह तबारक व तआला शिर्क के बाद इस जमीन के ऊपर नफरत अगर किसी गुनाह से अल्लाह तबारक व तआला करता है, अगर कोई गंदा काम है तो जिना है। ये सेलिब्रिटी करते होंगे, हमारी बहुत सारी बच्चियां कोर्ट मैरिज करती हैं, जाकर कहती मौलाना वी हैव गॉटन मैरिज, हमने शादी कर ली है विद अदर रिलीजियस पर्सन, किसी और नॉन मुस्लिम लड़के के साथ, डियर फॉर वी कैन लीव विद ईच अदर, वी कैन लीव लाइफ अवर लॉन्ग लाइफ, हम अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हैं क्योंकि हमने कोर्ट में जाकर हमने शादी कर ली। मुफ्तियान किराम बैठे कयामत की सुबह तक सारे दुनिया के हजरात ते मुफ्तियाने किराम उलमाए किराम बैठकर किसी मोमिन लड़की का किसी गैर मोमिन लड़के से निकाह पढ़ा दे, क्या वो निकाह हो सकता? नहीं हो सकता। हमारे समाज में, आपके समाज में भी बच्चियां मुर्तद हो रही, मैं उसका भी बताऊंगा। एक इंकलाब में कभी आर्टिकल छपा था कुछ दिनों पहले, एक डॉक्टर फारूकी अंसारी साहब का, उन्होंने स्पेशली मेरे पास भेजा और कहा कि मौलाना इसके ऊपर चर्चा कीजिए। आजकल हमारे समाज की बेटियां लव कोर्ट मैरिज कर बोलती हैं कि नहीं मौलाना हमने शादी कर ली है, निकाह हो गया, कोर्ट में जब निकाह हो गया शादी हो गई, वो निकाह नहीं है, वो जस्ट कंप्रोमाइज, उनके जरिए से तुम्हारे कोख से निकलने वाला बच्चा हरामी उन नस्ल होगा। याद रखो समाज की बेटियों, दो वजह से हमारी बच्चियां इस दलदल में फंस जाती, वो रिलेशन सवाब का नहीं होगा बल्कि जिना होगा कयामत तक। कुछ तो को एजुकेशन सिस्टम की वजह से कॉलेज में बच्चियां पढ़ रही है मौलाना, देर इज नथिंग टू फॉलो द रिलीजियस कमांड,
मेथड ऑफ द लास्ट प्रॉफेट मोहम्मद की जिंदगी, मोहम्मद की जिंदगी के मुताबिक, कुरान के मुताबिक ठीक है, हम बिलीव करते हैं कुरान और सुन्नत पर, लेकिन जरूरी धर्म को इतना बड़ा आप लोग बना देते हैं। एजुकेशन ले रहे हैं बच्चे यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में मखलूत तालीम लेते हैं और वहां पर नाजायज संबंध बनता है और किसी गैर से अग्यार से जाकर शादी करते हैं, या तो लिबरल मखलूत तालीम की वजह से वो बच्चियां मुर्तद हो जाती, या गुर्बत की वजह से वो बच्चियां अग्यार से शादी करती है गुर्बत की वजह से। अभी जो भिवंडी मुंबई का मामला सामने आया, मैं उस वाकये को आपके सामने रखना चाहता हूं, उसके बाद कंपेरेटिव में आऊंगा, क्योंकि वहां पर भी बहुत बड़ा खुलेआम जिना हो रहा। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, 27 साल की एक बेटी भारत के अंदर माली एतबार से सबसे स्ट्रॉन्ग शहर, शहर मुंबई भिवंडी में वो शादी के लिए एप्लीकेशन डालती है कोर्ट में, उसका लॉयर कबूल करता है शादी उनका, दोनों की कानूनी एतबार से कोर्ट मैरिज करवा देता। एक महीने तक प्रोसेस है ये, एक महीने तक एप्लीकेशन कोर्ट मैरिज के बाहर लगी रहती है, ताकि अगर गार्जियन को कोई एतराज करना हो तो वो एतराज करें कि ये बच्ची हमारी गलत कदम उठा रही है, हम इनके माँ बाप हैं, हम एक्शन लेना चाहते हैं। एक महीने तक किसी वकील ने देखा कि ये तो मुस्लिम बच्ची है, जय कुमार से हिंदू लड़के से कैसे शादी कर रही है बच्ची, तो उन्होंने क्या कहा कि पास के किसी तंजीम या किसी दानिश्वर को फोन किया कि आपके करीब की एक बच्ची है, उसका नाम फला है, मुस्लिम है वो बच्ची, उस बच्ची ने किसी और गैर के साथ निकाह किया है, यहाँ पर कोर्ट मैरिज की है, आइए आप कोई कानूनी कार्रवाई कीजिए, आप लोग कहाँ सो रहे हैं, सिर्फ तकरीरें करते हैं आप लोग, सिर्फ जलसा कर रहे हैं, जमीनी सतह पर कुछ नहीं है, आकर देखिए। गए वो, जाकर देखा कि यकीनन एप्लीकेशन है, उस एड्रेस को लेकर उसके घर पे पहुंचते हैं। वो बच्ची कहती है, पहले इनकार करती है कि सर हमने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया है, ये हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड है, मुमकिन है कि किसी ने चुरा लिया हो, मिसयूज किया हो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। वो बच्ची शायद ये समझ रही थी कि हमको इस चक्कर में नहीं पड़ना है, कौन कोर्ट कचहरी और कौन इन तंजीम के चक्कर में पड़े। तो जब फोर्स किया गया, जब मजबूर किया गया, तो उस बच्ची ने कहा कि बैठिए हम आपको सुनाते, हम भी तो जिम्मेदार हैं ना। उन्होंने हमारी और आपकी हालतें बयान की। उस बच्ची ने कहा कि सर अगर आप आए हैं, आप इतने चिंतित हैं, मुतफक्किर हैं, आप फिक्रमंद हैं, तो आइए मैं आपको बताती हूं कि यकीनन मैंने कोर्ट मैरिज की एप्लीकेशन दी थी और हमारा विवाह भी हो चुका है कानूनी एतबार से। मैं बालिग हूं, आई एम ए ग्रेजुएटेड, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन कोर्स, मेरी बड़ी यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएट कंप्लीट किया है, मैं 27 साल की हूं, मैं बालिग हूं, मैं सब कुछ मैं जानती हूं। उन्होंने कहा कि मुर्तद के बारे में भी तो जानते हो ना, इर्तिदाद का, उसकी क्या सजा है मरने के बाद। उन्होंने कहा कि सर मैं वो भी जानती हूं और मेरे इर्तिदाद की वजह क्या है वो भी मैं जानती हूं, और आपकी क्या जिम्मेदारी थी वो भी जानती हूं। उस बच्ची ने कहा कि बैठे, सबको बिठाए। उन्होंने कहा कि अब से 20 साल पहले माय फादर वाज आई हैज बीन डाइड, मेरे अब्बा 20 साल पहले इस दुनिया से चले गए, उनका इंतकाल हो गया। कहा कि अच्छा, फिर क्या हुआ? कहा कि मेरी माँ ने बर्तन माँज कर मेरी परवरिश की है, मुझे पढ़ाया लिखाया है, मेरी और भी एक बहन है, मेरे छोटे भाई हैं, उनकी परवरिश और मेरी पढ़ाई, हम सब भाई बहन को उनकी परवरिश में बड़ी मेहनत की, बड़ी मशक्कत की। तो कहा फिर कौन सी बड़ी बात? कहा कौन सी बड़ी बात है, अगर कोई पड़ोस में गरीब हो, सामने मालदार है, तो क्या जिम्मेदारी बनती है? आप तंजीम के मालिक हैं, आप कौम के लीडर माने जाते हैं, आप कौम के सदर हैं, आप सेक्रेटरी हैं, आप अध्यक्ष हैं, आप एमपी हैं, आप एमएलए,
क्या जिम्मेदारी बनती? जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर कोई गरीब है, मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ, मेरी माँ ने कैसे मेहनत करके हम लोगों को पढ़ाया है। कभी कभी ईद में तो हमारे पड़ोस के लोग खुशियां मनाते, कपड़े पहनते, हमारे पास मीठा खाने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था। आपको मालूम है किस गुर्बत में जिंदगी गुजारी है हमने। मैं 27 साल की हूँ, पिछले 7 साल से शादी का इंतजार कर रही हूँ। कोई आएगा, कोई दीनदार आएगा, हमसे निकाह करेगा, मेरी जिंदगी बच जाएगी, मेरी घर मेरा घर बच जाएगा। लेकिन आज तक जो भी आया चौखट पर, कंडीशन पहले रखता था कि 5 लाख रुपए कैश चाहिए, लड़का ये है, लड़का वो है, और फिर जहेज में ये लेंगे वो लेंगे। मैं कहां से, मेरी माँ तो दो वक्त की बड़ी मुश्किल से रोटी का इंतजाम कर पाती है, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। क्या इस्लाम में ज़कात किन लोगों के लिए, इस्लाम में सदकतुल फित्र किन लोगों के लिए? मैंने अपनी नजरों से देखा है लीडर साहब, मैंने अपनी नजरों से देखा है मेरे पड़ोस के अंदर ये मालदार साहब है। मालदार साहब ने अपनी 3 बच्चियों की शादी कराई और हर शादी में, हर बेटी की शादी में 10 से 20 लाख रुपए खर्च करता था। क्या अगर 5 लाख रुपए मुझे दे देता तो हमारी शादी नहीं हो सकती थी? लेकिन नहीं, अपनी बेटी की शादी शान से करता है, शरीयत के खिलाफ करता है, और कोई उनको कहने वाला नहीं होता है। जरा बताइए तो क्या करूँ इस वक्त में? 7 साल से इंतजार कर रही हूँ मैं अपने घर बसाने की, और जिस लड़के को आप कहते हैं कि वो गैर मोमिन लड़का है, जो तरीका मुसलमानों को इख्तियार करना चाहिए, जो हमदर्दी मुस्लिम नौजवानों को दिखाना चाहिए, वो एक गैर मुस्लिम लड़का होकर पिछले 10 साल से हमारे घर की देखभाल करता है, पैसों की जरूरत पड़े तो मेहनत करके ला कर देता है, मेरी माँ की दवाई का इंतजाम करता है। मैं जानती हूँ इस बात को, मुझे पता है कि मैं मरूंगी तो जहन्नम जाऊंगी हमेशा के लिए। लेकिन मैं इस बात को भी जानती हूं कि अगर मैंने इस लड़के का साथ छोड़ दिया तो मेरी जो छोटी बच्ची है, ये कलकत्ता की सड़कों पर और जनाब मुंबई की उन चौराहे के ऊपर अपनी इज्जत बेचने पर मजबूर होगी, और मेरे माँ हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगने पर मजबूर होगी। मैंने सोचा मरने के बाद रब पूछेगा क्यों तुमने अपने ईमान का सौदा किया, मैं कहूंगा कि अल्लाह गुर्बत की वजह से। अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा तो क्या हुआ, अल्लाह तबारक व तआला से कहूंगी कल कयामत में कि अल्लाह अपनी बहन की इज्जत को बचाने के लिए मैंने ये कदम उठाया और मुझे ये सौदा सस्ता लगा, इसलिए मैंने अपने ईमान का सौदा किया गैर के साथ। मेरे भाइयों, होश में आने की जरूरत है। आज की आपकी बच्चियां मुर्तद होती हैं तो उनके पीछे क्या हवाल है आप नहीं कोशिश करते जानने के लिए। गोश्त मांस मटन खाकर धुत रहते हैं। आज मुसलमानों पर जुल्म तशद्दुद होता है तो कोई आवाज बुलंद करने वाला नहीं। 114 साल पुराना मदरसा जला दिया जाता है, मदरसे के ताल्लुक से केस बुक नहीं होता, 4000 किताबें जला दी जाती है, उन किताबों के लिए कोई कंपनसेशन का मुतालबा नहीं करता। इन लोगों से जो कुर्सी इख्तदार पर बैठे हैं, क्या इस देश के वासी नहीं है हम? क्या इस देश में हमारा कोई अधिकार नहीं है? है। और सुन लो, बता दो उन लोगों को जो हमारे मदरसों को जलाते, उनकी किताबों में तशद्दुद का कोई रास्ता और रास्ता नहीं। जैसे धर्म के अंदर अपने मजहबी त्योहार को मनाना अपने अकीदे के एतबार से ठीक है, मनाओ, अच्छी बात है, रामचंद्र जी को खुश करना है, अच्छी बात है, करो, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम के राम का मंत्र होना चाहिए। राम नवमी के मौके पर थाली के ऊपर जनाब चंदन की लकड़ी और तुलसी का पत्ता डालकर उस वक्त भजन होना चाहिए। तुलसीदास कहते हैं रामचरितमानस में कि राम नवमी पर श्री रामचंद्र जी को खुश करना चाहते हो तो उनके सुबह सवेरे उठकर उनके नाम के लिए उपवास रखो, व्रत रखो, जय श्री राम का नारा लगाकर किसी मदरसे को जलाकर तुम ईश्वर के करीब नहीं हो सकते। इसलिए कि ईश्वर साफ लफ्जों में कहता है मैं खुश होता हूँ मेरे नाम का वर्णन करने से, किसी की दुकान किसी मदरसे को जलाने की वजह से मैं खुश नहीं होता। लेकिन जिम्मेदार कौन? वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम जिम्मेदार हैं। क्यों हम एक्ट नहीं करते? बस बच्चियां मुर्तद हुई जी, कितनी बच्ची? 17 बच्ची मुर्तद हो गई। किस लिए?
मौलाना बड़ा दुख का मकाम है, 17 बच्चियां मुर्तद हो गई। अरे क्यों हुई मुर्तद? कभी गए उनके घर पे? क्या मामला है? हम लोग नहीं जाते, हम लोग फिक्रमंद नहीं होते। क्या आपके पूरे भागलपुर में मिसाल के तौर पर अगर 5 लाख मुसलमान है, अगर एक दिन में 1 रुपए जमा करेगा तो क्या एक दिन में 5 लाख रुपए जमा नहीं होंगे? 30 दिन के अंदर ये पैसा 50 लाख करोड़ों तक नहीं पहुंचेगा? 1 साल के अंदर अरबों रुपए तक ये पैसा नहीं पहुंचेगा? 1 रुपए कौन करे? कोई नहीं। अग्यार से सबक लेने की जरूरत है। आज हम आरएसएस को गाली देते, वीएचपी को गाली देते कि नहीं वीएचपी ने ये शरीयत के ताल्लुक से ये बात कही, आरएसएस को मिटाने पे तुले। हम खुद मिट रहे हैं जनाब। नमाज पढ़ने के लिए कौन मना किया? आरएसएस वाले ने मना किया कि नमाज मत पढ़ो। मेरे सामने गाड़ी रोकने वाला वो नौजवान इतना बदकिरदार कैसे हो सकता है? शराब पीकर नशे में थुत होकर अपनी जवानी को कैसे बर्दाश्त कर सकते हमारे नौजवान? जब तुम्हारा गुनाह बढ़ता है, जब कौम की नाफरमानी बढ़ती है, तो अल्लाह तबारक व तआला जालिम बादशाह को मुसल्लत करता है। याद रखो, दूसरों को कोसने से पहले अपनी अपने अंदर सुधार की कोशिश करो, तब्दीली के लिए कुछ मेहनत करो। जब तक नहीं हरकत करोगे तो जिंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर, समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर तब्दीली नहीं पैदा हो सकती। अब्दुल्ला सालिम लाख चीखे, हजरत मौलाना लाख कुरान और हदीस की तफसीर करें, लेकिन जब तक अमली एतबार से हम लोग मैदान में नहीं मुतहर्रिक होंगे तो तब्दीली नहीं लाई जा सकती। जनाब जानते हैं कि जिना गलत है, जानते हैं कि शराब गलत है, इन स्पाइट ऑफ दैट शराब पीते हमारे बच्चे, कोरेक्स पीते, बिहार में तो प्रतिबंध, कोरेक्स ठेपी, कुछ नहीं मिला सोल्यूशन, लगा करके ऐसे कपड़े में ऐसे वो गठरी बना लेते हैं और सूंघते एकदम बिल्कुल जोर से सूंघ कर एकदम मस्त हो जाते हैं, फिर जाकर किसी के कार के सामने बाइक रोक दो। Why Allah created you from water? Why? क्यों अल्लाह ने आपको पैदा किया? जिब्राइल अमीन के आने का जमाना गया, तकरीर के जरिए, तहरीर के जरिए आपके बीच में इस्लाम की जो बात आती है, मुसलमानों हम सब मिलकर उस पर अमल की कोशिश करें। नहीं, हाँ कोई अगर आपकी शरीयत पर किसी बात पर एतराज करता है, मिसाल के तौर पर अभी कुछ दिनों पहले वो 24 जो आयत है कुरान करीब में, उसके ऊपर किसी ने लीगेशन लगाया, देखिए मौलाना आपके कुरान में ये बातें लिखी गई है, ये बात कही गई है, हमें दुश्मन माना गया है। वही एक आयत है, 24 आयत है ना जिसको निकालने की बात की जा रही है, उनमें मैं कम से कम 12 आयत तक पहुंचा हूँ उनकी किताबों के हवाले से कि भाई इन 12 आयत को ये जो गलत कह रहे हैं सेम उनसे ज्यादा तशद्दुद उनकी किताबों में है। फकुलू मिम्मा गनिमतुम, क्या तर्जमा करेंगे? खाओ गनीमत का जो माल है, माले गनीमत को खाओ, और अल्लाह और उसके रसूल के लिए वो माल और दौलत किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती। यस अलूनका अनिल अनफाल, कुरान करीम के अंदर है कि अल्लाह और उसके रसूल के लिए। लेकिन क्या तर्जमा करते हैं कुछ लोग? जानते हैं वो कि ये तर्जमा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बदनाम करके आपको डिमोरलाइज करने के लिए करते हैं, आपको टारगेट पे लेने के लिए, आपको निशान पे लेने के लिए वो करते हैं। इसका तर्जमा फकुलू मिम्मा गनिमतुम, लूटो और खाओ, वीएसपी के लोग करते। हाँ जहां बोलने की बात है वहां हम देंगे अदब के साथ, बेखौफ होकर जवाब देंगे। नहीं कुरान से समझेगा, उनकी किताब पढ़कर समझाएंगे कि कुरान पर आपको एतराज करने का कोई हक नहीं है, बिकॉज एंड दिस मैसेज हैज बीन एंड हैड बीन रिटन इन योर ऑथेंटिक बुक्स, अथर्ववेद के अंदर लिखा गया कि तुम दौलत जो मिल जाए किससे? राक्षस से,
राक्षस से, शत्रु से, शत्रु के मुकाबले में उनसे मुकाबला करने के बाद जो दौलत तुमको मिले उनको तुम आपस में विभाजन खाओ। तुवम तूरिय तरुष्यतः फकुलु मिम्मा गनिमतुम का सेम तर्जमा, तुवम तूरिय तरुष्यतः, अपने दुश्मन को मारो, अपने शत्रु को मारो, उसके बाद फिर उनकी जो दौलत है, उनका जो माल है, उस माल को अपने कब्जे में ले लो। यही मतलब है फकुलु मिम्मा गनिमतुम का। ये तर्जमा, ये मंत्र सिर्फ वीएचपी के लोगों के लिए, या जो 24 आयत का गलत तर्जमा करते। लेकिन जहां जो कमी हमारे अंदर है, जैसे वो लोग शराब के ताल्लुक से बोलते हैं, ईद के दिन खुशियां मनाने के बाद खुशियां मनाए, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, लेकिन उस दिन डीजे बजाना, गैर महरम लड़कियों को बाइक पे बिठाकर पिकनिक में चले गए, शॉपिंग में चले गए, सिनेमा हॉल में चले गए, चले जाते हैं हमारे बच्चे शादी से पहले, बातें घंटों तक बात करते हैं, शादी से पहले फिजिकल रिलेशन होता है। मगरिब ने इसका नाम दिया, इन इन नाहंजार लोगों ने रिलेशनशिप का, हम फना के साथ लिव इन में रहते हैं, रिश्ते में रहते हैं, क्या इस्लाम में जायज है निकाह से पहले किसी समाज की बच्ची से बात करना, क्या किसी को बाइक पे बिठाकर घुमाना जायज है, हमारे नौजवान करते हैं, सिनेमा घर पे भी लेके जाते हैं। मेरे नौजवानों, तालीम पर मेहनत करो, एजुकेशन पर मेहनत करो, इन राजनेताओं, इन लड़ाकू लीडरों की पैरवी मत करो। आप अगर कामयाब बन सकते हो, आपकी कोई भी इज्जत वापस आ सकती है, तो आपको तालीम के जरिए से, एंड बिफोर देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजुकेशन, यहाँ दो तरह की तालीम है, जिसको हम लोग कहते हैं इस्लामिक काल, इस्लामिक एजुकेशन और एकेडमिक एजुकेशन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी आज की तारीख में जरूरी है, जहाँ हमारे बच्चे आलिम बनेंगे, हमारे बच्चे हाफिज कुरान बनेंगे, वहीं पर हमारे बच्चों को डॉक्टर बनने की आवश्यकता है, वहीं हमारे बच्चों को LLB का कोर्स करे, हमारे बच्चे लॉयर बनेंगे, हमारे बच्चे जस्टिस बनेंगे, हमारे बच्चे DM बनेंगे, हमारे बच्चे SDM बनेंगे, हमारे बच्चे SP बनेंगे, हमारे बच्चे DSP बनेंगे। हमारे बच्चों को एकेडमिक क्वालिफिकेशन के मैदान में आगे आने की जरूरत है। हमारे बच्चे क्या वैज्ञानिक की दुनिया में झंडा नहीं गाड़ सकते? तारीख गवाह है, मैंने कहीं पर शायद साइंस और कुरान का जहां कंपेयर किया था, वहां मैंने एक्सप्लेन किया, दुनिया के ऊपर एहसान है कुरान के पढ़ने वालों का और कुरान करीम के मानने वालों का, कि कुरान करीम के पढ़ने पढ़ाने वालों ने जनाब ऐसे कारनामा अंजाम दिए। आज से तकरीबन 1000 साल पहले तारीख गवाह उठाइए, जिनका नाम हम लोग शेख हुसैन इब्न अली सीना के नाम से जानते हैं, MBBS के सिलेबस के अंदर आज इनकी किताब आज भी पढ़ाई जाती। इस किताब का नाम अल कानून है, 10 लाख अल्फाज इसमें लिखे हुए, किसी इबादत के ताल्लुक से नहीं है, बल्कि डॉक्टर कैसे बनेगा हमारा बच्चा, MBBS MD डॉक्टर कैसे बनेगा, मास्टर ऑफ मेडिसिन कैसे होगा, मास्टर ऑफ डिग्री कैसे होगी उसके पास, उसके ताल्लुक से इस किताब में बहस की गई। क्या शेख हुसैन इब्न अली सीना क्या पहले वैज्ञानिक थे, हाफिज कुरान बने थे 11 साल की उम्र में शेख हुसैन इब्न अली सीना? आज हमारी मस्जिद का मामला आता है तो कपिल सिब्बल के पास पहुंचते, आज हमारे बाबरी मस्जिद का मामला आता है तो जनाब प्रशांत भूषण के पास पहुंचते। क्यों हमारे बच्चे लॉयर नहीं हो सकते? क्यों हमारे बच्चे मास्टर नहीं हो सकते? यकीनन आपका बच्चा मास्टर नहीं होगा जब तक आपका बच्चा शराब के नशे के लत में होगा, कान में एयरफोन लगाकर तेजी के साथ फोर व्हीलर के छत पर बाइक चढ़ाने के लिए पूरा बेताब होगा। बदसलीका, बदतहजीब, कितने तेज से गाड़ी चलाते हो, कल्चर सीखो इन यूरोप के लोगों से, अंग्रेजों से, जिन्होंने नबी का कल्चर अपनाया है। हमारे नबी की तारीख, हमारे नबी का कारनामा, सुन्नत और उनका तरीका सिर्फ कयामत के लिए नहीं है, मरने के बाद कामयाबी के लिए नहीं है, बल्कि इस दुनिया के ऊपर इंसाफ और जस्टिस दिलाने के लिए। आप देखिए, उठाकर
अक्वामे मुत्तहिदा की बुनियाद डाली गई, यूनाइटेड नेशन तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अदालत, हमारी भारत के अंदर सबसे बड़ी अदालत हाई कोर्ट, उसके बाद सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी अदालत कौन सी? यूनाइटेड नेशन, जिनको अक्वामे मुत्तहिदा बोलते हैं। अक्वामे मुत्तहिदा की मैं कसम खाकर ये बात कहूं, तीन बड़े मुफस्सिर ने, तीन बड़े बड़े थिंकर ने ये बात कही है कि अक्वामे मुत्तहिदा की बुनियाद डाली गई है अल्लाह के नबी की 20 साल की उम्र में, उस वाकए के ऊपर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 20 साल की उम्र में एक तंजीम, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी हिल्फुल फुजूल के ढांचे पर। अक्वामे मुत्तहिदा की बुनियाद डाली गई, जो मकसद हिल्फुल फुजूल में था अल्लाह के नबी का, वही मकसद इन यहूदियों ने यूनाइटेड नेशन बनाकर दूसरी जंग अजीम के बाद जिसमें 6 करोड़ लोग मारे गए थे, आज इंसानियत को बचाया जाता है कि नबी के तरीके के मुताबिक, नबी के प्लेटफॉर्म से। और आज हमारे नौजवान, हमारे मुस्लिम बच्चे शराब पीकर नशे में धुत हो करके कहते हैं कि आई एम अ मुस्लिम, आई एम अ मुस्लिम। तुम्हारा रोल मॉडल कौन है जवानों? अंग्रेज रोल मॉडल दुनियावी एतबार से नबी को माने हुए हैं, और आज हम अपना रोल मॉडल सलमान खान, शाहरुख खान को मानते हैं। मानो इसलिए तो हमारी मस्जिदें और हमारे मदरसे जलाए जा रहे हैं। मौलाना हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातहुम ने एक बयान, हकीकी बात कही थी दिल्ली के अंदर। पता है हमारे नौजवानों में इतनी ताकत नहीं है कि उसका एक्सप्लेनेशन करे, उसका डिफिनेशन करे। हजरत मुफ्ती राशिद साहब का मैसेज नाचीज के पास पहुंचता है। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला तुम तो आजाद हो, तुम्हारा रिसर्च है, इस पे तहकीक पेश करो। तो उसके बाद नाचीज से जहां तक हो सका मैंने तहकीक की बात पेश की। ओम मनु अल्लाह क्या।